हेलो, आज कंटिन्यू करते हैं आपका कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं न्यू फर्स्ट चैप्टर। देखो, मैंने पिक्चर्स ऐड नहीं की है, लेट मी ऐड। चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपकी तबीयत ठीक होगी। अभी मैंने देखा है, आपने रिसेंट कुछ वीडियोस देखी नहीं है लास्ट की। होपफुली आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए और अच्छी ही होगी बेसिकली, और बेटर हो जाए आपकी। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। हम यूनिट टू के अंदर एक पार्ट है। यूनिट टू में आपको बताया जा रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जिसमें वो अर्थ का स्ट्रक्चर समझाते समझाते आपके पहुंच गए हैं अर्थ के क्रस्ट पर, यानी कि रॉक्स पर। मिनरल्स के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको अर्थ के क्रस्ट में क्या चीज़ पाई जाती है तो उनके बारे में आपको बताएंगे। मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में क्या क्या मटेरियल हमें मिलता है, सर क्या क्या। ये तो यहाँ पर मेरी चीज़ें मिलती है, तो यहाँ पर हमें क्या सीखेंगे मेनली मेनली यहाँ पर आपको रॉक्स के बारे में बताएंगे। किस मटेरियल के बारे में बताएंगे, मेनली रॉक्स के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। लिथोस्फेयर से स्टार्टिंग हो रही है सर। ये तो कुछ पड़ा पड़ा सा लग रहा है सर। आपने को पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, उसमें एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में सब कुछ पढ़ाया था लिथोस्फेयर वगैरह। हाँ, वहीं से आया। लिथोस्फेयर यूजुअली यूज टू मीन बोथ। सर लिथोस्फेयर का यूज जनरली किस तरह, दो तरह के मीनिंग निकालने के लिए किया जाता है। कौन सा, लैंडमार्क, लैंड मतलब लैंड वाला एरिया, लैंड सरफेस, एंड ओशन फ्लोर, मतलब इस जिस एरिया में जिस लेवल पर ओशन आता है उस वाली जगह को भी हम लिथोस्फेयर के लिथोस्फेयर ही कहते हैं, और लैंड वाले एरिया को भी। ठीक है, लैंड मास। ठीक है, एंड इज ऑफन यूज टू इंडिकेट ओनली फ्लैट लैंड स्ट्रक्चर। आई थिंक फ्लैट ही लिखा हुआ है, लेकिन लिथोस्फेयर के अंदर जो लैंड का स्ट्रक्चर आता है वो दुनिया फ्लैट लैंड स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। दस 3/10 ऑफ द अर्थ सरफेस इज लिथोस्फीयर। ओके, और 7/10 कहाँ गया है? अगर 3/10 है तो 7/10 को हम ओशन मानते हैं। ठीक है, यानी अगर 10 से कर लिया जाए लिथोस्फीयर के, लिथोस्फीयर अगर 10 पार्ट कर लिया जाए तो 10 में से 3 पार्ट तो किसके आएंगे, अर्थ सरफेस के पास। ठीक है, और 7 पार्ट्स कहाँ जाएंगे, ओशन के पास। नहीं सर, ओशन बहुत बड़ा है ऑब्वियसली। ये क्या मीनिंग बताया नहीं है आपको, डिफरेंस समझाने लगे आपको, बताया डिफरेंस बिटवीन रॉक्स एंड मिनरल्स। डिफरेंस बिटवीन रॉक्स एंड मिनरल्स पढ़ते हैं। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स ऑफ वेरियस टाइप्स। और बता रहे, जो अर्थ का जो क्रस्ट होता है ना, वो बहुत तरीके के रॉक्स से मिलकर बना होता है। सो रॉक क्या होता है तो बताया, द टर्म रॉक रेफर्स नॉट ओनली टू हार्ड मटेरियल्स। ओके ना, रॉक का मतलब केवल हार्ड मटेरियल नहीं होता, जैसे ग्रेनाइट की बात की जाए। ठीक है, कभी कभी सॉफ्ट और लूज फॉर्म में भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम रॉक बोलते हैं, जैसे सैंड, जैसे कि सैंड। ठीक है, सिल्ट, सिल्ट एंड क्ले, तो ये भी क्या है, रॉक के अंदर आते हैं। रॉक सा, अब सर रॉक क्या होते हैं, फिर रॉक कैसे बने होते हैं, रॉक के अंदर क्या क्या आता है, तो उन्होंने बता दिया। रॉक के अंदर क्या क्या आता है ये तो उन्होंने बता दिया। रॉक के अंदर आपके हार्ड मटेरियल्स भी आते हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स भी आते हैं, लूज पार्टिकल्स भी आते हैं। ठीक है, उन्होंने सैंड को भी रॉक के अंदर इंक्लूड कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना। फिर
कह रहे हैं कि रॉक जो कि होते हैं आर मेड अप ऑफ मिनरल्स इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन. रॉक जो कि होते हैं, रॉक्स मिनरल्स से बने हुए होते हैं, यानी कि सर और मिनरल्स भी अलग अलग कॉम्बिनेशन में होते हैं. यानी कि सर हम ये कह सकते हैं कि रॉक्स बड़े होते हैं, रॉक के अंदर मिनरल्स होते हैं. अब तो मिनरल ही होते हैं, या तो हार्ड फॉर्म या फिर सॉफ्ट फॉर्म, लूज फॉर्म में हो. ठीक है, हाँ आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं. तो सर ये मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स भी कई बारे बताओ. तो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आर नेचुरली, आप आर्टिफिशियल इसको बना नहीं सकते हो, ये नेचर में अवेलेबल होता है. और अगर हम इसका ओवर यूज करेंगे या वेस्ट करेंगे तो एक टाइम ऐसा है कि सारे मिनरल्स हमारे नेचर से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये डिस्ट्रॉय भी नहीं बोलो, ख़त्म हो जाएंगे, वेनिश हो जाएंगे. तो नेचुरल होते हैं तो उनका हमें थोड़ा सोच समझ कुछ करना भी चाहिए. तो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सॉलिड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट बोलो उसको, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज. सर डेफिनेट बोला सर्टेन, जो डिफाइंड है ऑलरेडी, जो पक्का है, चेंज नहीं हो सकता, जो डिफाइंड है. तो मिनरल्स कुछ ऐसे नेचुरल सॉलिड ऑर्गेनिक से मिलके बना हुआ है, सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है, से बना हुआ होता है, जो कि जिनका केमिकल कंपोजिशन सर्टेन होता है, डिफाइंड होता है, और जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफाइंड होती हैं. यानी मिनरल्स क्या हैं, मिनरल्स बेसिकली ऐसे सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो आपको नेचर में मिलते हैं, नेचुरली अकरिंग जो नेचर में आपको मिलते हैं. ठीक है, और ये ऐसे यानी सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं मिनरल्स, जिनका केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफाइंड होती हैं, सर्टेन होती हैं. ठीक है, मटेरियल्स आर मिनरल्स, सॉरी मिनरल्स आर जनरली क्रिस्टलाइन. मिनरल्स अगर जनरली देखोगे तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, दिखाई दे रहे हैं उनका लुक क्रिस्टलाइन जैसा होता है, क्रिस्टल जैसा. मिनरल्स आर होमोजीनियस इन फॉर्म वेल रॉक्स आर हेटरोजीनियस इन देयर कंपोजिशन. मिनरल्स आपको सेम जैसे लगेंगे, मिनरल्स आपको सारे देखोगे सारे सेम लगेंगे, तो सेम कैटेगरी को तो हम बोलते हैं होमोजीनियस. ठीक है, लेकिन अगर रॉक्स देखो ना, रॉक्स आपको उनके कंपोजिशन सारे डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देंगे, सारे अलग अलग दिखाई देंगे, क्योंकि तो बहुत बहुत अलग है. तो जो डिफरेंट होते हैं उनको बोलते हैं हेटरोजीनियस, और जो सेम होते हैं उनको बोलते हैं होमोजीनियस. तो आपसे एमसीक्यू बन सकते हैं, मिनरल्स कैसे होते हैं, मिनरल्स होमोजीनियस होते हैं, रॉक्स हेटरोजीनियस होते हैं. फिर लिखा है मिनरल्स आर इन टर्न मेड अप ऑफ केमिकल एलिमेंट्स. सर रॉक्स मिनरल्स से बने होते हैं, मिनरल्स केमिकल एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं. सर केमिकल एलिमेंट क्या कहते हैं, अमंग द केमिकल्स ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. सर वो कहते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन भी होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है, मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा पाई जाती है. तो कितनी ऑक्सीजन अकाउंट्स फॉर अबाउट 47% टोटल वेट हमारे अर्थ. सपोज करो वेट लेट सपोज 100 kg है, तो 100 का 47%, 47% अकेला अबाउट 50%, यानी कि लगभग 40% के आसपास ही हो जाएगी, वो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन का बैठ जाता है. फिर सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट फॉर्मिंग है ना, सिलिकॉन जो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, जिसका वेट ऑलमोस्ट 28% होता है, और रिमेनिंग बचे, रिमेनिंग कितने बचे, 4 6 8 15 7 6, रिमेनिंग 25% से, रिमेनिंग 25% के अंदर ये सारे आते हैं. ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, और बचे कुछ अदर्स के अंदर. कैलकुलेट ना 24 5 हो रहे हैं, नहीं हो रहे, 6 8 है, 6 ही मानते हैं, 6 और 6 12, और 4 16 18 20 24 आराम से बैठ जाएगा आपका ये. ठीक है, आराम से 25% आपको बैठ जाएगा, इस वो का प्लस वाला आपका 100% बैठ जाएगा. ठीक है, यानी वो बता रहे अदर्स में कौन कौन से आते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम. एज ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन आर द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स, सिलिकेट्स आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स इन द अर्थ क्रस्ट. लेकिन जो है सिलिकेट है ना, सिलिकेट ये मोस्ट कॉमन मिनरल है, ज्यादा होता है लेकिन मिलता भी ज्यादा है, मोस्ट कॉमन मिनरल इन द अर्थ क्रस्ट.
मोस्ट कॉमन जहाँ देखोगे वहाँ मिल जाएगा आपको। क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड मेकर द एग्जाम्पल ऑफ सिलिकेट मिनरल्स, सर ये कुछ उसके नाम है। फिर कैलकट, डोलोमाइट, जिप्सम एंड रॉक सॉल्ट आर द एग्जाम्पल्स अदर टाइप्स ऑफ मिनरल्स, अदर तरीके के मिनरल्स हैं। और सिलिकेट के आप याद कर लो एग्जाम्पल्स, बाकी के मेरे ख्याल से आपको नहीं करने। अबाउट 2000 मिनरल्स आर नोन टू एग्जिस्ट इन द क्रस्ट, लगभग 2000 मिनरल्स ऐसे हैं, 2000 मिनरल्स ऐसे हैं जिनको जिनको अर्थ क्रस्ट में ढूंढा गया है। एंड दीज कम्बाइन डिफरेंट प्रपोर्शन टू फॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ, और ये अलग अलग प्रपोर्शन मिल के अलग अलग तरीके के रॉक्स बनाते हैं। हाउएवर जियोलॉजिकली स्पीकिंग, एकदम जियोग्राफिकली के जियोलॉजी यानी ज्योग्राफी की बात ही करें, उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बात करें, तो रॉक्स कंसिस्ट ऑफ ऑल दी मटेरियल, सर रॉक के अंदर सारे मटेरियल आते हैं, सारे मटेरियल, सर कौन से सारे, दैट मेकअप द अर्थ क्रस्ट, यानी जिन जिन मटेरियल से अर्थ का क्रस्ट बनता है वो सारे मटेरियल एक रॉक के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। वेदर देयर सॉलिड ग्रेनाइट बोल्डर, सॉफ्ट कील और सॉलिड ग्रेवल और कंबस्टिबल कोर, अब चाहे सर वो कोई सा भी रॉक ही ना हो, सर चाहे वो रॉक सॉलिड ग्रेनाइट बोल्डर हो या फिर सॉफ्ट किले ही क्यों ना हो या फिर सॉलिड ग्रेवल ही क्यों ना हो या फिर वो एक जल्दी आग पकड़ने वाला कोल ही क्यों ना हो, सारी रॉक की फॉर्म्स हैं। और ये हर तरह के रॉक जो होते हैं वो हर तरह के ऑलमोस्ट मटेरियल अपने अंदर कंटेन करते हैं जिससे कि हमारा सरफेस बनता है। अ मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज फॉर्म्ड बाय रॉक्स एंड मिनरल्स, अ मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज फॉर्म्ड बाय रॉक्स एंड मिनरल्स, वो कहते हैं अर्थ का जो मेजर जो पार्ट है वो बेसिकली दो चीज़ों से बना होता है, रॉक्स से, बहुत सारे रॉक्स हैं और बहुत सारे मिनरल्स हैं। मिनरल्स हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन बाय विच दे कैन बी आइडेंटिफाइड, ये हमने ऊपर ही पढ़ा था, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि सर इनका केमिकल कंपोजिशन डेफिनेट होता है, डिफाइंड होता है ऑलरेडी, तो इस वजह से इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है, तो इसलिए आइडेंटिफाई भी ईजी हो जाते हैं। बट रॉक इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस मिनरल्स, लेकिन रॉक क्या है, बहुत अलग अलग तरीके के मिनरल्स का मिक्सचर है। रॉक कैन बी डिफाइंड एज एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, सर एक कॉम्बिनेशन, एग्रीगेट मतलब जो कंबाइन होते हैं, तो सर ये क्या एक तरह से रॉक एक कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन किस चीज़ का, मिनरल्स का, बहुत सारे मिनरल्स मिलकर बनाते हैं ना, कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन है मिनरल्स का, डेट फॉर्म अ मोर और लेस डेफिनेट यूनिट ऑफ लिथोस्फीयर, जो कि मोर और लेस एक डिफाइंड यूनिट ऑफ लिथोस्फीयर फॉर्म करता है। रॉक इज अ कंसोलिडेटेड एंड कम्पैक्ट मास ऑफ मोर देन टू मिनरल्स, वो क्या रॉक क्या एक कंसोलिडेटेड मतलब कंबाइंड फॉर्म, तो रॉक को कंबाइंड फॉर्म में देखो या सॉल्ट फॉर्म में वैसे देखो, इसका जो मास जो होता है वो जनरली मोर देन टू मिनरल्स से ज़्यादा होता है। दो तो मिलके बनाते होंगे इसको, तो दो के बराबर क्यों नहीं है, दो से ज़्यादा क्यों, थोड़ा सा खुद का भी तो होता है सब्सटेंस के बीच में जो प्रोसेस वगैरह होते हैं, तो उस दौरान कुछ वेट बढ़ जाता है। डिफाइंड डिफरेंटली बाय जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट एंड सिविल इंजीनियर्स, वो भी उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग नाम देते हैं, तो क्या क्या अलग नाम है तो देखते हैं। टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स डिफर फ्रॉम ईच ब्रांड, कलर, टेक्सचर एंड ओरिजिन, सर रॉक्स कलर के बेस पर भी डिफरेंट होते हैं, टेक्सचर के बेस पर भी डिफरेंट होते हैं, सर कोई रॉक ऐसे जो हमारे यहाँ मिलते नहीं, कोई अलग जगह पर मिलते हैं, लेकिन वो कह रहा है ऑन द बेस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन, लेकिन उनके और खुशी कुछ कुछ ऐसा होता है कि फॉर्म होने का तरीका ही अलग होता है, तो वो बता दें फॉर्म होने के बेस पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन वो कितने टाइप्स के होते हैं, सर ऑन द बेसिस ऑफ कलर नहीं बता रहे ना, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर बता रहे ना, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बता रहे, ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन बता रहे हैं कि रॉक कितने तरीके के होते हैं। तो तीन तरीके के रॉक्स हमने क्लासिफाई किए ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन, इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, क्या होते हैं पढ़ेंगे। फिर बोला सर इग्नियस भी दो टाइप्स के होते हैं, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, सर कुछ समझ में आ रहा है, कोई तो इन वाला है और कोई एग्जिट आउटसाइड वाला है। इंट्रूसिव के भी दो पार्ट में, प्लूटोनिक, हाइपे वेजल है ना। फिर सेडिमेंट्री को फिर फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, मैकेनिकली फॉर्म, इसमें सर थोड़ा मैकेनिकल फोर्स लगा एक हो, ऑर्गेनिक अपने बन जाते हैं ऑर्गेनिक, हमने कुछ बोलेंगे कुछ केमिकली फॉर्म, किसी में कुछ केमिकल डाल के बना दिया गया, इस तरह से सेडिमेंट्री होते हैं। और मेटाफॉर्मिक अपने टाइप के होते हैं, ठीक है, जरा डिटेल में पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, हो रही है।
On the basis of their mode of formation, rocks can be classified as igneous, sedimentary, and metamorphic rocks. ठीक है, ना igneous पे आते हैं. igneous rocks को हम primary rocks ही बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? थोड़ा नीचे आते हैं, फिर बताता हूँ मैं. ठीक है, ठीक है, सर. प्राइमरी बोलते हैं, इग्नियस बोलते हैं. तो वो बता रहे हैं, द वर्ड इग्नियस मीन्स फायर. इग्नियस मीन्स फायर. अगर आपने कोई वर्ड सुना हो इग्नाइट, आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया भी इग्नाइट. इग्नाइट मतलब जलाना. इग्नाइट मतलब क्या होता है? जलाना, आग जला, आग जलाना. ठीक है, उसको बोलते हैं इग्नाइट. इग्नियस मतलब फायर ही होता है. ठीक है, जो कि लैटिन वर्ड है, जो कि एक लैटिन वर्ड इग्नस से मिलकर बना हुआ है, और संस्कृत वर्ड अग्नि से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, अग्नि और अग्नि और अग्नि. अगर ई को अगर आप आ से प्रोनाउंस करते हो तो ये भी अग्नि पढ़ा जाएगा. तो यहाँ पे दो वर्ड एक साथ बोल दिए गए, एक लैटिन वर्ड इग्नि और एक संस्कृत वर्ड अग्नि है. अग्नि है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? फायर. तो सर फायरिंग रॉक्स हो गए क्या ये? लगता तो कुछ ऐसा मैंने नहीं पढ़ा. हम दोनों साथ में पढ़ रहे हैं पहली बार. सर इग्नियस मीन्स फायर. तो सर इस वर्ड को अगर यहाँ पे रिप्लेस करना फायर रॉक्स, यानी कुछ फायर वाले रॉक्स हो गए, ऐसा कुछ ऐसे कुछ है क्या? है क्या है? मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे कि मैं पहले वाली पढ़ा रहा हूँ, ताकि जो पहले वाले मेरे को समझ में आए वही आपको समझ में आए. ठीक है, सेम लेवल पे आके पढ़ाता हूँ मैं. तो मैं इसी तरह से पढ़ रहा हूँ कि मेरे को भी नहीं आता ना आपको आता. तो हम दोनों पहली बार ही पढ़ रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स नहीं, फायरिंग रॉक्स के बारे में बात करें. देखते हैं, फायरिंग रॉक्स है भी नहीं है. अंदाजा था मैं यही लग रहा है. इग्नियस रॉक्स आर ऑफ थर्मल ऑरिजिन, ओके, एंड आर फॉर्मड बाय द प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन रॉक मटेरियल कॉल्ड मैग्मा. ओके सर, ये थर्मल ऑरिजिन के रॉक्स होते हैं, और ये पता है कैसे बनते हैं? ये बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन. सॉलिडिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, ठंडा करना. ठंडा करके बनाया था पत्थर को. ठंडा कैसे करेंगे? ठंडी चीज़ को ठंडा करेंगे या गर्म चीज़ को ठंडा करेंगे? सर दिमाग लगाओ, गर्म चीज़ को. यानी सर ये आगे, अगर हम अभी हम आगे ना पढ़े, अभी हम आगे ना पढ़े तो मैं सही तो पता चल गया कि हाँ ये पत्थर तो गर्म नहीं होता, लेकिन किसी गर्म चीज़ को ठंडा करके पत्थर बनाया जाता है. इसलिए इसका मतलब फायरिंग रॉक्स है, क्योंकि इसको बनने से पहले सर इसमें फायर थी. तो लिखा हुआ जो प्रोसेस जो बनता है, दिस फॉर्म बाय द प्रोसेस सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन रॉक. सर मोल्टन रॉक क्या होता है? लावा. वॉल्केनो के अंदर बहुत सारा लावा होता है. लावे के अंदर बहुत सारे ऐसे रॉक्स होते हैं, जिनमें आग लगी होती है. ठीक है, तो जिनको बोलते हैं मैग्मा, जिसको बोलते हैं मैग्मा. तो उस मैग्मा को ठंडा करके जो पत्थर बनाया है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक. यानी कि सर ये अभी फायरिंग रॉक नहीं है, लेकिन एक टाइम पर ये फायरिंग रॉक था, और उसको इन्होंने ठंडा करके रॉक बना दिया, इसको बोलते हैं इग्नियस रॉक. ठीक है, सच मोल्टन मैग्मा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द इंटीरियर लेयर्स ऑफ द अर्थ. वो कहीं से मोल्टन मैग्मा होते हैं, अर्थ के बहुत अंदर वाले लेयर्स से निकलते हैं. सर कैसे निकलती है ये? तब निकलती है, बेसिकली अभी आपको अर्थ के अंदर कहाँ से आ गए, अर्थ के अंदर ये कहाँ से आ गए? तो वॉल्केनो से निकलते ही, तो आपको पता है ना आज के टाइम पे तो वॉल्केनो बहुत कम हो गए हैं, काफ़ी सारे बंद भी हो गए हैं, है ना. लेकिन एक टाइम पर वॉल्केनो बहुत ज़्यादा थे. तो उस टाइम पर जब वो इरप्ट होते थे तो काफ़ी सारा लावा रोड्स पर हो जाता था. तो उसी टाइम पर वो सारे के सारे जब वो इरप्ट होते थे, तो इरप्ट होने का उस टाइम पर जो मैग्मा बाहर आता था, क्या आपको लगता है कि वापस अंदर चला आता होगा? अभी सब वो तो बाहर आ गया. अब बाहर आ गया वो तो लैंड के ऊपर ही रहेगा, सरफेस के ऊपर. अब धीरे धीरे सब उसके ऊपर एक नया सरफेस बनता है, नई लेयर बनती है, तो अब वो ऑलरेडी मिट्टी के अंदर या किसी चीज़ के नीचे दब जाएंगे. हाँ, तो दब जाएंगे ना, तो एक उनके ऊपर एक लेयर बन गई थी. हम आज जिस लैंड के ऊपर खड़े हुए हैं, एक टाइम पे ये इतनी ऊंची लेयर नहीं थी, इतना ऊंचा सरफेस नहीं था. धीरे धीरे लेयर बनती गई, यानी कि सर अभी हम जहाँ पर उस लेयर उसके नीचे भी बहुत सारी लेयर, बहुत सारे क्या कहते हैं लावा वगैरह है, लेकिन वो ठंडी हो चुकी है, वो फॉर्म वो ठंडी हो चुकी है. ठीक है, तो इसी वजह से वो वाली मैग्मा हमारे अंदर, मतलब हमारे लैंड के नीचे फंसी हुई है, जो ऑलरेडी क्या बन चुकी है, ठंडी होकर पत्थर बन चुके हैं. उन्हीं पत्थरों को हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स बोलते हैं. सच मैग्मा इरप्ट ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन. सर ये मैग्मा कब बाहर आता है? जब वॉल्केनो इरप्ट होता है,
ऑन रीचिंग द अर्थ सर्फेस गेट सॉलिडिफाइड बाई कूलिंग। और वो अर्थ सर्फेस पहुंचने अर्थ सर्फेस तक पहुंचने के बाद अपने आप ठंडा हो जाता है बाई कूलिंग, है ना। सो दे आर रेफर टू एज प्राइमरी रॉक, इसलिए इनको प्राइमरी रॉक्स ही बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स ही बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले हमें ये मिलते हैं, ठीक है। मैग्मा ऑल्सो में गेट सॉलिडिफाइड बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के नीचे अगर वो नहीं हुए एकदम ऊपर भी नहीं हो तो नीचे भी नीचे क्या हो जाते हैं अपने सॉलिडिफाइड हो जाते हैं। कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन आर टू प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स, ठीक है। ये दो प्रोसेस हैं जो इग्नियस रॉक्स को बनाने में इन्वॉल्व की जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑरिजिन, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑरिजिन, सर ये इग्नियस रॉक्स को क्लासिफाई करें, हाँ उनके बनने के बेस पे, ओरिजिन उनके बनने के बेस पर इनको दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहले इंट्रूसिव, दूसरा एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव क्या होता है, थोड़ा अपने आप सोचो सर, ये कुछ अंदर की तरफ कुछ होता होगा वो ऊपर, वो बाहर एग्जिट यानी बाहर की तरफ कुछ होता होगा वो एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव है कि क्या सर कैसे बनता होगा, थोड़ा अपने आप ही देखो ना बिना पढ़े। इंक्लूसिव मतलब क्या, और एक्सक्लूसिव से थोड़ा अंदर से लगाओ। सर आप भी लगाओ, मैं भी लगाऊँ, थोड़ा बेस में जाते हैं। इग्नियस रॉक इंक्लूसिव इग्नियस इग्नियस यानी तो पहले इग्नियस रॉक देखो, इग्नियस रॉक से होते हैं ये वो रॉक्स होते हैं जो मैग्मा के ठंडे होने पर बनते हैं। और ये मैग्मा ठंडा, वो लिखा था कि सर ये मैग्मा ठंडा अर्थ सरफेस पर भी हो जाता है, ये मैग्मा ठंडा अर्थ के सरफेस पर भी हो जाता है और ये ठंडा बिलो द सरफेस भी हो जाता है। हाँ कुछ हिंट मिल रही है, कुछ हिंट क्या मिल रही है मेरे को लग रहा है, पता नहीं मैं तुक्के मारने में थोड़े मजे आते हैं, मेरे को लग रहा है कि ब्लू द सरफेस है ना, तो ब्लू द सरफेस जो ऐसे रॉक्स बनते हैं उसको इंट्रूसिव बोलते होंगे, और जो ऑन रीचिंग जो ऊपर बनते हैं इनको एक्सट्रूसिव बोलते होंगे, इनको क्या बोलते होंगे एक्सट्रूसिव, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो एक चेक करते हैं अपना तुक्का। व्हेन द मोल्टन मटेरियल ऑफ द अर्थ इंटीरियर Do not reach up the earth surface. Oh ho, जब वो molten lava earth surface पहुंचता ही नहीं है, यानी वो नीचे रह गया। हाँ the cool and solid below the surface. Okay, below the surface ही मैंने बोला था, कुछ तो तुक्का मेरा फिट होने वाला है। the cool and solid below the surface and dark or intrusive igneous rocks. समझ में आ गया, intrusive क्यों बोलते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर ही बन रहे हैं। एग्जाम्पल दो सर ऐसे कुछ रॉक्स का, ग्रेनाइट, डायोराइट, गब्रू, पता नहीं गब्रो क्या है नाम है क्या था। दीज रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक्स, तो इनको प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं, क्यों कहते हैं ऐसा नाम मेरे को नहीं आइडिया। सच रॉक्स हैव लार्जर क्रिस्टल्स, इनके पास बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, आर वेरी कॉम्पैक्ट रेजिस्टेंट एंड ग्लासी इन अपीयरेंस। एग्जाम्पल क्वार्ट्ज, बेथोलिथ, है ना। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैव लार्जर क्रिस्टल्स एज़ द रेट ऑफ कूलिंग इज स्लोअर, तो वो कह रहा है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के पास जितने ज़्यादा बड़े, जितने ज़्यादा मतलब इससे एक हम क्या कंटेम्पटेशन लगा सकते हैं, वो कह रहे हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, उस वजह से इसी वजह से उनकी कूलिंग रेट तो स्लो होती है, यानी कि हम ये एक आइडिया लगा सकते हैं जितने बड़े क्रिस्टल उतनी स्लो स्पीड कूलिंग की, ये अंदाजा लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा सकते हैं, यही सच है। दे हैव बीन फॉर्मड एट अ ग्रेट डेप्थ, सर बहुत गहराई में जाके बनते हैं, बहुत गहराई में जो इंट्रूसिव वाले। दे हैव बीन फॉर्मड अ ग्रेट डेप्थ, ठीक है। सम ऑफ द लावा मे पुश इट्स वे थ्रू पासेज इन द फॉर्म ऑफ सिल्ट और डाइक्स, इसलिए वीडियो में यूट्यूब पर डालता हूँ, लेकिन मैं आपको गूगल वगैरह करके दिखाऊँ, थोड़ी वीडियो करके दिखाऊँ, वो कॉपरेट तो होता है, मैं आपको यूट्यूब पर भी दिखाऊँ क्या चीज़ होते हैं सिल्स वगैरह, क्योंकि समझाने से नहीं समझ में आएगा, अगर पिक्चर दिखा दूँ तो समझ नहीं पाओगे क्या चीज़ है। तो एक काम आप कर सकते हो सिल्स वगैरह के ना पढ़ने से पहले, आप खुद गूगल करके या यूट्यूब करके वीडियो उनकी देख सकते हैं, छोटे छोटे आप गूगल पर पिक्चर देख सकते हो, ठीक है। गूगल पर वैसे नहीं आना चाहिए, कॉपीराइट है। चलो करते हैं।
एक्सिस एंड एक्सियम जब इस तरह से रास्ता बनता है वॉल्केनिक होते हुए, जब इस तरह से रास्ता बनता है तो उसको बोलते हैं सिल्स, उसको क्या बोलते हैं सिल्स, जो यहाँ से बनता है उसको क्या बोलते हैं डाइक। सर जरा पिक्चर दिखाओ जरा, ये रहा ये सिल्स की पिक्चर है, ये डाइक की पिक्चर है। सर अभी क्लियर नहीं हुआ क्या हो गया? क्लियर नहीं हुआ ना, अब क्लियर होगा और अच्छे से। हमने पिक्चर देखी, हम पिक्चर का पॉइंट पढ़े तो हमें और अच्छे से, अब हमें अच्छे से क्लियर हुआ। सिल्स क्या होता है? व्हेन मैग्मा इज बीइंग फोर्स्ड अपवर्ड। सर यहाँ से ऊपर जा रहा है ये मैग्मा, इस जमीन के अंदर है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है वोल्केनो के थ्रू होते हुए, वैसे तो सिल्स बोलते हैं जब मैग्मा ऊपर की तरफ जा रहा होता है। सम ऑफ इट मे पुश इट इट्स वे इन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द रॉक एंड गेट सॉलिड फॉर देयर। तो वो कह रहे हैं जब मैग्मा नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो हो सकता है सर नीचे बीच में कहीं थोड़ा सा मैग्मा अपने आप ही ठंडा हो जाए, थोड़ा सा मैग्मा अपने आप ही ठंडा हो जाए बीच में रास्ते, जब वो ऊपर जा रहा है, जब ऊपर जा रहा है वो बीच में ठंडा हो जाए, ठीक है। तो ऐसे मैग्मा को तो द इंट्रूसिव रॉक दस फॉर्म, तो वहाँ पे जो रॉक बन जाता है, जो मैग्मा ठंडा होकर इंट्रूसिव रॉक बन जाता है, उसको हम बोलते हैं सिल, उसको हम क्या बोलते हैं सिल। और ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल शेप में होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे दिखाई दे रहा ना ये वाला, ठीक है। सिल का मतलब समझ में आ गया, सिल मतलब कौन से रॉक्स हो गए, जब मैग्मा ऊपर जा रहा होता है और वो लेकर ऊपर जा नहीं पाता बीच में बन जाते हैं, ऐसे रॉक्स को क्या बोलते हैं सिल रॉक्स, ठीक है। डाइक मैग्मा ऑल्सो फोर्सेज इट्स वे बिफोर रीचिंग द मेन फिशर ट्राइंग टू गो अप बट गेट सोलिडिफाइड बिफोर रीचिंग दी सरफेस। ओके क्या कह रहा है सर, मैग्मा ऑल्सो फोर्सेज इट्स वे बिफोर रीचिंग द मेन फिशर ट्राइंग टू गो अप ट्राइंग टू गो अप बट गेट सोलिडिफाइड बिफोर रीचिंग द सरफेस, ठीक है। तो देखो पिक्चर देखो फिर इसको समझते हैं जरा, है ना। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड आया आपको नहीं पता था, फिसर का मतलब क्या है? हाँ फिसर मतलब दरार, दरार आप जानते हो, दरार जानते हो, दरार क्या होती है? दरार क्रैक, हाँ क्रैक बोल सकते हो दरार को, क्रैक जहाँ से लीक होती है। तो वो कह रहे हैं मैग्मा ट्राई करता है, मैग्मा ताकत लगाता है फोर्सेस इट्स वे बिफोर रीचिंग द मेन फिसर, यानी मैग्मा ट्राई करता है कि वो दरार में पहुंचने से पहले, जमीन में दरारें आ जाती है, वॉल्केनो होता है तब तो थोड़ा अर्थक्वेक जैसा आता है तो जमीन फट जाती है, तो वहां पे दरार पड़ जाती है, तो दरार में पहुंचने से पहले, दरार में पहुंचने से पहले ये क्या करता है, ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है और ऊपर, है ना। बट गेट सॉलिफाइड बिफोर रीचिंग द सर्फेस, लेकिन वो ऊपर पहुंच ही नहीं पाता, ऊपर पहुंच ही नहीं पाता, बेचारा नीचे रह जाता है, दरार में फंस जाता है, दरार में आ जाता है, दरार में आने को ऊपर जाने की कोशिश करता है जा ही नहीं पाता, वो दरार में ही रह जाता है और ठंडा हो जाता है। दिस इंट्रूसिव रॉक्स लाइंग इन अ स्लैंटिंग डायरेक्शन ऑफ स्लैंट, एकदम स्लैंट डायरेक्शन में जो है ना, एज एन ऑफ शूट, इसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, सर ये तो वही थे ना जो बाहर बनते हैं, बाहर और सरफेस पर, ये दोनों देखो ये भी अर्थ के सरफेस के अंदर ही है, ये भी अर्थ के नीचे ही है, दोनों के अर्थ के नीचे हैं, दोनों अर्थ के नीचे, तो अर्थ के ऊपर क्या बना हुआ, ये फ्लो बना हुआ है, ठीक है। अर्थ के नीचे फ्लो बना हुआ है, अर्थ के ऊपर तो सर इसका आंसर फ्लो होना चाहिए अगर इसके अंदर कुछ ऐसा है तो। रॉक्स है ना, सॉरी लावा पोर्स आउट ऑन अर्थ सरफेस, जब लावा अर्थ सरफेस पर आ जाता है थ्रू वोल्केनिक इरप्शन और फिसर, इट कूल्स एंड सॉलिडिफाइज टू फॉर्म एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। द रेट ऑफ कूलिंग इज मोर रैपिड देन इन द इंटीरियर एंड हेंस द क्रिस्टल्स आर फाइनर, सर क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है, तो सर हमने वो पीछे बढ़ाता है क्रिस्टल, अगर जब बड़ा होगा तो स्पीड कम होगी, अगर यहाँ पर स्पीड ज़्यादा तो क्रिस्टल छोटा होगा, हाँ तो यहाँ पर क्रिस्टल कैसा होता है फाइनर, यानी छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पर रेट ऑफ कूलिंग क्या होती है, मोर रैपिड, है ना। दे आर यूजली डार्क कलर्ड, ये थोड़े डार्क कलर के होते हैं, गब्रू फेड्सपर पर्निस कोमिया, ये कुछ नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, तो कोई नाम भी नहीं दिए हुए, आप चाहते हो मैं सर्च करूँ नामों को,
चलो कर लेते हैं, गबरू कर लेते हैं, ठीक है? गबरू पता नहीं क्या है ये गबरू। बॉल को मुझे बाहर तो दिखाई नहीं है निकलते हुए। ये कुछ ऐसा रॉक होता है, ठीक है? बस देखते इसको। व्हेन मैग्मा रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है। व्हेन द मैग्मा इरप्ट्स ऑन द सरफेस एंड फ्लोज डाउन द स्लोप ऑफ द लैंड इट इज कॉल्ड लावा। तो जब मैग्मा ऊपर की तरफ आता है और फिर ये सरफेस पर आता है, फ्लो डाउन होता है नीचे की तरफ, जाता है स्लोप की डायरेक्शन में, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? लावा। आपको पता होगी लावा में फ्लो एज अ टंग और एज अ सीट। तो मतलब क्या यहाँ पर टंग और सीट मतलब लावा इन द फॉर्म ऑफ टंग आपको दिखा दूँ। फिल्टर कुछ नहीं है, ये देख रहे हो ये टंग इस तरह से अगर फैली है आपको दिखाई दे रहा है, जीभ की तरह फैलेगी। ये देखो ये टंग की जगह तरह दिखाई दे रही है हमें, तो इसको बोलते हैं लावा इन द फॉर्म ऑफ टंग। लावा इन द फॉर्म ऑफ टंग है ना। तो मैं एज अ सीट दिखाऊँ आपको, एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी हमारे पास। ये कितनी बड़ी बड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी को हम टंग नहीं बोलेंगे, पूरी सीट कहते हैं इसको, ठीक है? लावा एज अ सीट है ना। सेवरल लावा सीट्स में गेट पाइल्ड अप इट टू फॉर्म अ प्लेटू। सर बहुत सारी कभी लावा बहुत ज़्यादा पाइल्ड अप होती है, हटी हो जाती है, उससे प्लेटू बन जाता है। वैन लावा फ्लोज ऑन लैंड, जब वो लैंड पे आ जाता है लावा, देर इज सडन कूलिंग एंड देर इज लेस टाइम फॉर द मिनरल्स टू गेट क्रिस्टलाइज। सर वहाँ पर एकदम कूलिंग स्टार्ट हो जाती है और मिनरल्स को कम टाइम मिलता है क्रिस्टलाइज होने के लिए, ठीक है? बसाल्ट इज अ कॉमन वॉल्केनिक एंड एक्सक्लूसिव, कॉमन वॉल्केनिक और एक्सक्लूसिव रॉक। एक्सक्लूसिव रॉक का एग्जाम्पल दिया है बसाल्ट, जो कि बहुत कॉमन है एंड फॉर्म्स लावा सेट। और ये वाला रॉक होता है, ये वाला वो रॉक होता है जो लावा सेट बनाता है और लावा को फ्लो कराता है एंड लावा प्लेटू है सब कुछ। एग्जाम्पल सर कहाँ कहाँ के पे, कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं? डेक्कन प्लेटू में जो कि इंडिया में है, एक एंथून की जगह है कोई नर्दर्न आइलैंड में है, या कोई कोलंबिया स्नेक जगह है, ये यूएसए में है वहाँ वहाँ पर, ठीक है? अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन इग्नियस रॉक्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इन टू एसिडिक एंड बेसिक रॉक्स। केमिकल बात की जाए तो इनको दो फॉर्म में क्लासिफाई किया जाता है, एसिडिक एंड बेसिक। बेसिक है ऑन द बेस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। एसिडिक इग्नियस रॉक्स के अंदर 65% और मोर ऑफ सिलिका। सर जो एसिडिक होते हैं उनका 65% कम से कम, मिनिमम 65% तो क्या होता है सिलिका होते होता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम इतना होता ही होता है एसिडिक इग्नियस रॉक्स। यानी एसिडिक की डेफिनेशन आपको मीन तो पता ही चल गया, बेसिकली इसका 65% मिनिमम सिलिका हो। अब ये होते कैसे थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। एसिडिक रॉक्स आर लाइट कलर, कलर बहुत हल्का होता है, ज़्यादा घने भी नहीं होते। ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एसिडिक इग्नियस रॉक। एग्जाम्पल आपको हर तरीके के याद रखने, कम से कम दो चार। अदर्स आर क्रिस्टल्स ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्सपर एंड मिका। बेसिक इग्नियस रॉक उन्होंने तीन तरह में डिवाइड कर दिया, एसिडिक, बेसिक और अल्ट्रा बेसिक। यानी बेसिक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक नॉर्मल बेसिक और एक अल्ट्रा बेसिक। बेसिक इग्नियस रॉक्स कंटेन लोअर परसेंटेज ऑफ सिलिका, ऑब्वियस सी बात है कम ही बचा, एंड हायर परसेंटेज ऑफ ऑक्साइड्स। ओके इसके अंदर सिलिका तो कम होता है लेकिन ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है
सारे एग्जाम्पल ऐसे रॉक्स का, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है। बेसिक रॉक्स आर डेंसर, जो थोड़े ज़्यादा होते हैं, घने होते हैं एंड डार्कर इन कलर, डार्क होते हैं है ना, एज कम्पेयर टू एसिडिक रॉक्स। एंड इनमें डिफरेंस भी देख रहे हैं, डिफरेंस भी देख सकते हो, लाइट कलर लेस डेंस, डार्कर और डेंस, ठीक है, डेंसर। अल्ट्रा बेसिक रॉक्स दे कंसिस्ट ऑफ फेरे एंड मैग्नीशियम, ज्यादा कुछ बताया नहीं। आपके प्राइमरी रॉक्स कंप्लीट हुए, है ना, क्लासिफिकेशन में, ठीक है, कंप्लीट हुए। अच्छा, ये तो उनको पढ़ने का मन पड़ेगा। एक काम करते हैं, इतना करते हैं इस वीडियो में, क्वेश्चन आंसर पढ़ाते हैं प्राइमरी के, ठीक है। कितना बड़ा पिछड़ता है ये, विच आर टू मोस्ट अबंडेंट केमिकल एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट। सर ये तो पढ़ा था, ध्यान है कुछ, ध्यान सीरियल ऑर्डर में लिखना। पहला था ऑक्सीजन, दूसरा था सिलिकॉन। नेम थ्री रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, कोई भी तीन ऐसे रॉक्स बताओ। नेम थ्री रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, अच्छा ऐसे तीन मिनरल्स के नाम बताओ जिससे रॉक बनता है। ऐसे तीन रॉक्स के नाम बताओ, ऐसे तीन मिनरल्स के नाम बताओ जिससे, नेम थ्री रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स जिससे रॉक बनता है। ये पीछे सब कर लेना, ये आपका होमवर्क है। एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको एक बार रिपीट कर दूँ, मैंने पहले ही बहुत बताया, ये होमवर्क देने का मेरा मतलब ये नहीं होता कि आपको लिखना है। ये मेरे होमवर्क देने का मतलब है, एक तो पहला आइडेंटिफाई करें उनको बुक्स में से, ठीक है, अपने रीडिंग स्किल्स का यूज़ करते हुए, और दूसरा जो मैं पढ़ाता हूँ उसका रिविजन हो सके, क्योंकि मैंने यहाँ पर रीड करा दिया। आप एक बार आंसर ढूंढने के टाइम पर घर पे एक बार अपने आप से भी रीड करोगे ना, बिना रीड के तो आंसर मिलेगा नहीं। तो एक रीडिंग की वजह से, रीडिंग से क्या होता है, एक रिविजन होता है। फिर तो मेरा तीसरा पर्पज होता है कि आप उसको रीड करो और फिर आपको साथ के साथ लर्न करते चलो। अब लर्न करने का आपको पता है कुछ भी हो सकता है, लर्न आप ओरली करो, लर्न आप लिख लिख कर करो, कैसे भी करो, ठीक है। तो मेरा जो अल्टीमेट पर्पस होता है वो ये होता है कि आपकी तो उसकी री रीडिंग होता है, जैसे रिविजन होता है आपका, एक कम से कम एक ही है तुरंत आपका, ठीक है। और दूसरा आप इसको लर्न भी करते चलो, ठीक है। वॉट इज द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, बहुत सारे बेसिस हैं, कलर वगैरह सब, लेकिन हमारे चैप्टर में क्या फॉर बेसिस बेस दिया हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन इज द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है। ये भी होमवर्क है। वॉट आर इग्नियस रॉक्स, पूरी डेफिनेशन दे सकते हो सर, कौन से मोल्टन लावा के जो ठंडा सॉलिडिफिकेशन होने पर बनता है, उन सभी को इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, बता सकते हो। वॉट प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक, कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन। वाई आर इग्नियस रॉक्स क्रिस्टलाइन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रूसिव एंड इंक्लूसिव, दोनों कर सकते हो आप। वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक्स, हमने ज़्यादा पढ़ लिया क्या फिर सारे क्वेश्चन पहली क्लास के टॉपिक में। एक्सट्रूसिव रॉक्स की प्रॉपर्टीज क्या है, बेसिकली नेचर पूछा है उसका, ठीक है, बता दे रहा हूँ उनके थोड़ा सा। हाउ आर प्लूटोनिक रॉक्स एंड सेडिमेंटरी रॉक्स फॉर्म, ओके प्लूटोनिक तो हम पढ़ चुके हैं, सेडिमेंट्री भी नहीं पड़ा, तो उसका फर्स्ट पार्ट आप कर ही सकते हो। वायर सेडिमेंट्री, अब नहीं, अब नहीं, आपको सदन बहुत आ गया है। ठीक है, ये वाला करना।
आप ये भी कर सकते हो आई थिंक, लेट मी कंफर्म। चलो छोड़ो ये वाला करो, यही तक करो। और कुछ है क्या एक्सक्लूसिव में जरूरी है स्मॉल पिस्टल का? हाँ ये वाला एक गिवन कर सकते हो, सिलिकेट्स आर द मोस्ट कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। ठीक है ये तीन गिव रीजन से आप कर सकते हो, ठीक है बस यही आपका आज का होमवर्क है, ठीक है।